हेलो एवरीवन, वेलकम टू मर्चल डिक्कस मैम बायोलॉजी क्लास। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश और संतुष्ट होंगे क्योंकि आपको भी इस चैनल पर अच्छे से कंटेंट वाली वीडियो देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू हो जाते हैं। ऐसे लाइव क्लास भी नहीं चल रही है बाबू, क्योंकि थोड़ा गर्मी ज़्यादा है तो लाइव क्लास चलाने में दिक्कत आ रही है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको टाइम टू टाइम वीडियो भी कुछ ना कुछ बना करके देते रहें। तो चलिए, हम लोग थोड़ा सा उसी पर बात करते हैं और अध्ययन करते हैं। जैसे कि हम जानकारी के लिए आपको बता दें, ऐसे हम लोग थोड़ा सा बेसिक जानकारी के लिए हम आपको जानकारियाँ दे देते हैं, है ना। कुछ कुछ बातें हमें एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता करके तब हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि आपको ऑफलाइन क्लास में एक से लेकर के चार चैप्टर तक जल्दी पढ़ाई हो गया है ना। इसके बाद फिर जो है ना, 6 नंबर का हम कंप्लीट कर दिए, फिर उसके बाद 10 पढ़ा दिए, 11 पढ़ा दिए हैं और 12 पढ़ा दिए हैं, ठीक है। ये लगभग मिला करके आपको 24 नंबर का कंप्लीट हो गया है ना। तो 24 नंबर का ही हो गया और 5 चैप्टर भी कंप्लीट होने वाला है, यानी लगभग लगभग अगर देखा जाए तो 80% 85% ख़त्म हो गया 5 चैप्टर। तो यानी लगभग लगभग 6 नंबर इसमें से भी, यानी लगभग अगर देखा जाए तो 6 से 36 नंबर आपका लगभग लगभग क्लियर हो गया, यानी 50% लगभग आपका सिलेबस ख़त्म हो गया है। तो हम जो है, जैसे कि ध्यान देंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन लगभग इन दोनों का जो है ना क्लियर आपको हम पढ़ा दिए हैं। जिस प्रकार से ऑफलाइन ख़त्म हो गया है, ठीक है ना, उसी प्रकार से ऑनलाइन भी ख़त्म हो गया। इस चैप्टर का ऑनलाइन क्लास नहीं चल पाया था क्योंकि उधर बीच में हमको मौसम की वजह से और साथ साथ जो है ना लगन का गला बैठ गया था, इसलिए हम क्लास ले नहीं पाए। तो चलिए, अब बल्कि पहले से बहुत अच्छा खासा जहरा गला ठीक ठाक हो गया है। तो हम चाहते हैं कि अब इसको बाद में कभी होल्ड कर लेंगे, अभी तो इसमें समय है, पुनः हम इसको दोबारा अध्ययन करेंगे ऑफलाइन क्लास में, तो उस समय इसको भी अध्ययन कर लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, 5 चैप्टर के बारे में आपको आज क्लास में बताने वाले हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो जो बच्चे जो है ना पढ़ लिए होंगे उनको रिविज़न हो जाएगा, और जो बच्चे नहीं कभी पढ़े होंगे, ठीक है, तो उनको नया सिरे से भी पढ़ने का मौका मिल जाएगा। यानी बहुत सारा बच्चा का ऐसा होता है कि छूट जाता है तो बच्चे नहीं ऑफलाइन क्लास में पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए जो है ना पीछे का जो है ना छूटा हुआ कैप्चर हो जाएगा और जो बच्चे पढ़ लिए उनको रिविज़न हो जाएगा। तो चलिए, अब ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए और देखिए। तो ज़रा ध्यान दें, अब तक आपको हम टोटल लगभग 36 नंबर का कंप्लीट कर चुके हैं सिलेबस, इस बात का ध्यान रखें। यानी इससे पहले भी हम आपको बताए थे कि 45 से 50 जो है ना परसेंट आपका हम सिलेबस ख़त्म ऑलरेडी कर चुके हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो चलिए, ये बातें क्लियर हो गई आपको। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो ज़रा नोट कीजिए, अब जो हम लोग अध्ययन करने वाले हैं बाबू, वो क्या अध्ययन करने वाले हैं, तो 5 चैप्टर के बारे में ही अध्ययन करने वाले हैं। जो दिख रहा है ना 5 चैप्टर, इसी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। और इस चैप्टर का नाम क्या है इसके बारे में हम बताते हैं। चलिए, तो देखते हैं थोड़ा सा, हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर के बारे में क्या क्या आपको अध्ययन करना है और किस प्रकार अध्ययन करनी है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बातें करते हैं और चर्चा करते हैं। तो ज़रा नोट कीजिए बाबू, चैप्टर का नाम है क्या है, अगर इंग्लिश में हम लिखें तो आप लिख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक बाबू? इसी को अगर हिंदी में आप लिखना चाहें तो हिंदी में इसको लिख सकते हैं वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत। कुछ कुछ हम पहले ही ऑलरेडी पॉइंट वन लिख दिए हैं बाबू, ताकि आपको थोड़ा सा विविधता का सिद्धांत, इसलिए ताकि जो है ना सुविधा हो, समय बचे, नहीं तो लिखने में जैसे देख रहे हैं समय थोड़ा सा लग जाता है, लिखा रहता तो हम डायरेक्ट पढ़ाते सिद्धांत, है ना। तो कुछ कुछ जो है ना, तो इस प्रकार से आपको ऑलरेडी भी इसमें लिखा हुआ, तो ये चैप्टर का नाम हो गया बाबू। यानी लगभग अगर हम बात करें तो अभी हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो क्या है बाबू, जेनेटिक्स है। क्या है बाबू? जेनेटिक्स के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, है ना। जरा आप नोट कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लोग किसकी बात करेंगे, तो जेनेटिक्स की बात करेंगे बाबू। जो भी हम लोग सीखेंगे वो क्या होगा, जेनेटिक्स। शायद आपको साफ सुथरा दिख रहा होगा, तो जेनेटिक्स के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। वंशागति किसको कहते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे, विविधता क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे, और सिद्धांत क्या है इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। यानी चैप्टर नंबर ही हो गया बाबू आपको 5। चैप्टर नंबर कितना हो गया बाबू? 5। ऑफलाइन क्लास में लगभग हम बताएं कि जो है ना 85 से 90% जो है ना लगभग ख़त्म हो गया बाबू, 85 से 90 या 80 से
90 मान के चलिए, तो लगभग इतना जाना कैप्चर कर लिया है। जल्द ही ये ऑफलाइन क्लास में खत्म हो जाएगी, फिर हम 6 चैप्टर की बात करेंगे। ऐसे आप सभी को एक पैकेज दिया गया होगा, देखे होंगे इस प्रकार से पैकेज सबको दिया गया है और जल्दी खत्म हो गया है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, और इसमें क्वेश्चन बैंक वगैरह भी दिया रहता है बाबू, तो जो हम पढ़ाते जाएंगे वो क्वेश्चन भी कराते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और आगे अध्ययन करते हैं। तो ये हो गया चैप्टर का नाम, ठीक है ना। अब ज़रा नोट करते हैं बाबू यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा, तो ज़रा ध्यान दीजिए। तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो हम लोग यहाँ पर देखते क्या हैं, ज़रा नोट कीजिए। देखिए तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या अध्ययन करते हैं, ज़रा नोट कीजिए, है ना। देखिए फिर से ज़रा नोट कर एक बार हम आपको जो है ना बता देते हैं क्या अध्ययन कर रहे थे, क्योंकि हम कट कॉपी पेस्ट करने लगे तो शायद आप कन्फ्यूज ना हो गए हों, इसलिए थोड़ा सा हम आपको एक बार क्लियर कर देते हैं। ज़रा नोट कीजिए, देखिए ये तो इंट्रोडक्शन हो गया बाबू क्लास का क्या है नहीं है से। अब इसका दूसरा है, तो ये हम ये टॉपिक था इसको हम बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम चैप्टर का नाम, ठीक है ना, और उस चैप्टर का जो है ना संख्या क्या है बुक में एनसीईआरटी में, तो ये आपको दिया गया। ये एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा बाबू, किस पर रहेगा, एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। टोटल जितने भी पॉइंट्स इसमें रहेंगे सब एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे, बल्कि उससे कहीं एक्स्ट्रा हम देंगे ताकि आपको समझने और सीखने में सुविधा हो जाए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए बाबू। तो हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पीड चलेंगे बाबू, ठीक है। तो आपको प्रयास करना है कि थोड़ा सा जो स्पीड होता है यूट्यूब पर उसमें कम करके आप देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे समझ में आएगा, अगर थोड़ा सा आप रिवीजन किए होंगे पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा थोड़ा स्पीड रहने के बाद भी, तो कोई अकबकाने की बात नहीं। तो ये हो गया क्या, तो चैप्टर का नाम, अब इसी के बारे में हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला इस चैप्टर का नाम टॉपिक होता है बाबू क्या, इनहेरिटेंस। तो देखिए पहला टॉपिक क्या है, इनहेरिटेंस, इसको बोलते हैं वंशागति। वंशागति क्या होती है, ज़रा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं बाबू। तो ज़रा ध्यान से देखेंगे, वंशागति की अगर हम बात कर लेते हैं, इनहेरिटेंस के बारे में अगर हम बात करें बाबू, तो यहाँ पर आप नोट कीजिएगा और समझिएगा कि इनहेरिटेंस होता क्या है, या इनहेरिटेंस हम किसको कहते हैं, है ना। अगर आप नोट कीजिए यहाँ पर, देखिए लिखा हुआ है इनहेरिटेंस किसे कहा जाता है, अगर इसके अनुसार चले तो, और नहीं तो फिर हम यहाँ पर आपको बताते हैं। ज़रा नोट कीजिए इनहेरिटेंस क्या होती है, जैसे यहाँ पर हम कुछ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, है ना, ये कुछ स्ट्रक्चर मेल और फीमेल का हम बना रहे हैं, ठीक है। अब ज़रा नोट कीजिए यहाँ पर, इस फीमेल दिखा दे रहा है ऐसे, है ना। तो ज़रा आप ध्यान से देखिए, तो जानकारियाँ क्या हम दे रहे थे, चलिए ये बहरा है, है ना। तो अब ज़रा ध्यान से देखें, तो एक मेल और फीमेल है, अब इनसे क्या होगा, संतान का विकास होता है बाबू, एक संतान का क्या होगा, विकास होगा, है ना। अब ज़रा ध्यान से देखिए, तो जब संतान का विकास होगा तो कुछ वैसे गुण या कैरेक्टर होंगे, ज़रा नोट कीजिए यहाँ पर, कुछ वैसे गुण या क्या है बाबू, ये जनक है, इसको माता पिता हम लोग कहते हैं, इसको पेरेंट या इसको हम लोग जनक कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, जनक। तो कुछ वैसे गुण होते हैं जो स्पेशली हमें कहाँ देखने को मिलते हैं बाबू, जनक में देखने को मिलते हैं, कहाँ देखने को मिलते हैं, जनक में। कुछ गुण या कुछ लक्षण या कैरेक्टर वैसे होते हैं जो जनक में होते हैं, और वही गुण या कैरेक्टर कहाँ देखने को मिलती है, लक्षण कहाँ देखने को मिलती है बाबू, संतानों में देखने को मिलते हैं। तो जो लक्षण उधर है वही लक्षण कहाँ देखने को मिली, संतानों में देखने को मिलेगा। तो ऐसे जो है ना क्या गुणों को क्या होना, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना ही वंशागति कहलाती है बाबू, क्या कहलाती है, वंशागति कहलाती है। बात समझ में आ रही है, अब चलते हैं ज़रा ध्यान से देखिए, और उस गुण को क्या कहेंगे, जो गुण जा रहा है तो उस गुण को आनुवांशिक गुण या पैतृक गुण कहते हैं बाबू, ये आगे भी टॉपिक आएगा, ध्यान सुनेंगे। आप ऐसे समझिए, जैसे मान लें कि जाना आप या हम या कोई भी, जैसे देखिए कान हमारा छोटा है, ठीक है, तो कान छोटा है, या फिर आप मान के चलिए कि लंबे हैं, या फिर गोले गोरे रंग का है या काले रंग का है, जिस रंग का भी है, तो ये कहाँ से आया है, माता पिता से आया है बाबू। तो माता पिता जिस रंग के थे उस रंग के हम हो गए, तो उनका गुण कहाँ आ गया हम में। तो इस क्रिया को हम लोग वंशागति कहते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, वंशागति। लेकिन जब उनका गुण जो था, ठीक है ना, और वो गुण हम में आया, तो जैसे गोरा का गुण हो गया, काला का गुण हो गया, लंबा का हो गया, बौना का हो गया, तो उस गुण को जो हमको पूर्वज से मिला उस गुण को आनुवांशिक गुण या पैतृक गुण कहते हैं बाबू। कैसे, तो जरा हम लोग आगे देखते हैं। तो इनहेरिटेंस को समझिए, यहाँ पर लिखा हुआ भी है इनहेरिटेंस के बारे में, क्या लिखा हुआ है ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ पासिंग
कैरेक्टर है ना, जना ऑफ पैरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, कह रहा है कि वैसा कैरेक्टर या वैसा क्या लक्षण जो क्या करती है पैरेंट से संतान में आती है बाबू, तो उसी को इनहेरिटेंस कहा जाता है। कोई दिक्कत, जो माता पिता के गुण है वही क्या देखने को मिले संतान में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं तो इनहेरिटेंस कहते हैं। यहाँ पर दिखा रहा है कि जैसा माता पिता उसके जैसा संतान दिखेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या इनहेरिटेंस। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा दिक्कत होगा तो फिगर को देख करके समझेंगे। देखिए यहाँ पर हल्का डिफरेंट रंग का कलर दिख रहा है बाबू, आँख का जो है ना थोड़ा सा कलर डिफरेंस दिख रहा है, तो ऐसा नहीं कि भिन्न है, एक ही जैसा देखने में ऐसा लग रहा है, बच्चा है तो इसलिए। आगे बढ़ते हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है ज़रा नोट कीजिए, यह है वेरिएशन, विविधता। देखिए कुछ कुछ पॉइंटों हम इसलिए लिख दिए ना ताकि सुविधा हो, समय बचने तो लिखने में समय लग जाएगा। तो चलिए वेरिएशन किसको कहते हैं, विविधता किसको कहते हैं, तो ज़रा नोट कीजिए। विविधता को हम आमतौर पर ऐसे समझाते हैं कि जब दो जाति एक जैसे होते हैं। देखिए ध्यान देंगे यहाँ पर कैसा हो गया बाबू, दो को यहाँ पर हम जीव बना दिए है ना, यहाँ पर दो को क्या दिखा दिए बाबू, जीव दिखा दिए। अब इन दोनों जीवों का गुण क्या हो जाएगा, अगला में आ जाएगा, और ये दोनों के जैसा ना दिख करके कुछ नया दिखने लगेगा। समझ में आ रहा बात है, जैसा इसका गुण था वैसा ना दिख करके, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम आँख दिखा दिए ऐसा है ना, ऐसे लाल होता नहीं है लेकिन मान के चलिए है ना, यहाँ पर हम दिखा दिए ब्लैक, ठीक है ना, और ये ब्लैक और रेड ना होकर के संतान में क्या हो जाए बाबू, डिफरेंट हो जाए। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाए, समझा रहा बाप, दिख रहा है कुछ मैंने भिन्नता हो जाए, जैसा था जना पूर्वज में गुण या जनकों में वैसा संतान में ना दिखे, एकदम बिल्कुल भिन्न हो जाए। पहले क्या दिख रहा था, देखिए इसमें इसमें क्या दिख रहा था, सेम दिख रहा था, जैसा ही था वैसा ही, तो इनहेरिटेंस, और थोड़ा डिफरेंस हो जाए बाबू, भिन्न हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, बोलेंगे वेरिएशन। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए सामने आप फिगर को देखिए, ये क्या है पिता है बाबू और ये क्या है माता है, पहले इसको देख लीजिए डिफरेंशन को, तब हम लोग देखते हैं। तो ये माता और ये पिता, इसके संतान को देखिए आप, उसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है, और क्या दिख रहा है हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम इस डिफरेंशन को देख लेते हैं। ज़रा नोट कीजिए आप क्या कह रहा है, विविधता, वेरिएशन कह रहा है बाबू। जब क्या होगा, देखिए लिखा हुआ है कि डिग्री बाई जो है ना विच ऑफ ऑफस्प्रिंग डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स, यानी जो पेरेंट्स क्या है, ध्यान देंगे जो पेरेंट्स हैं उसके क्या हो डिफरेंस हो बाबू, क्या ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग यानी संतान कैसे हो, जाना जनक से भिन्न हो, कौन संतान, तो उस स्थिति को या उस क्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो वेरिएशन के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए माता पिता के कलर को देखिए, इसका इसका क्या है बाबू, बाल क्या है ब्लैक है, इसका भी देखिए कैसा है ब्लैक है, कोई दिक्कत। लेकिन अगर आप देखें इस संतान को तो इसका जाना कलर क्या है बाबू, ब्राउन है, कैसा रंग दिख रहा है बाबू, ब्राउन दिख रहा है। तो इस क्रिया को या इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, तो विविधता कहते हैं बाबू। कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर हो गई, जरा नोट कीजिए। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे, मतलब माता पिता में जैसा कलर है, देखिए माता पिता कुछ और रंग है, संतान में कुछ और हो जाए, मतलब ये दिखाया गया है आँख को लेकर के कि आँख में भी ऐसा देखने को मिलते हैं। और ये विविधता कहाँ देखने को मिल सकता है, आँख के कलर में देखने को मिल सकता है, जो है ना स्किन के कलर में देखने को मिल सकता है, और क्या तो बाल के कलर में देखने को मिल सकता है यहाँ तो, और इसके अलावा और भी लक्षण हो सकते हैं, जैसे उपार्जित लक्षण जो आगे हम बात करेंगे। तो भिन्नताएँ बहुत जगह हो सकती है, तो कंडीशन के अनुसार होती है, और उसके बारे में हम लोग एक एक करके थोड़ा अध्ययन करेंगे और समझेंगे और सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो विविधता हो गई, विविधता के हम लोग प्रकार को देखेंगे बाबू। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर हो गई, तो चलिए देखते हैं। देखिए टॉपिक जो है वो क्या है बाबू, विविधता के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेरिएशन है ना, विविधता के प्रकार, क्लियर हो गया। तो विविधता कितने प्रकार के होते हैं जरा आप नोट कीजिए, दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होता है बाबू सोमैटिक वेरिएशन, और दूसरा क्या होता है बाबू जेनरेटिव वेरिएशन। कोई दिक्कत, अब चलते हैं, ध्यान देने वाली बात आ जाती है कि आखिर ये दो प्रकार के जो वेरिएशन हैं ये किस प्रकार होते हैं, किसे जाना सोमैटिक वेरिएशन कहेंगे और किसे जेनरेटिव वेरिएशन कहेंगे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं बाबू, और ज़रा समझते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो बेहिचक आप पूछते जाएंगे और हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा, चलिए तो आगे हम बढ़ रहे हैं, क्या है सोमैटिक वेरिएशन किसको कहते हैं, तो सोमैटिक वेरिएशन को हम लोग देखते हैं। देखिए जरा नोट कीजिए यहाँ पर, सोमैटिक वेरिएशन क्या है, देखिए सोमैटिक और कायिक दोनों कोशिकाओं को जानने के लिए अब थोड़ा सा यहाँ पर
दो मिनट हम पीछे दे देते हैं। देखिए ऐसे यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा जाना जानने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, ये दो गो वेरिएशन था, ये तो आपको हम दिखा ही दिए हैं। यहाँ पर हम ऐसे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, आपको पता है वहाँ पर लिखा है साइड में, है ना। तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई है जीव बाबू, तो जीवो के अंदर या जीवो में आपको दो तरह के कोशिका देखने को मिलती है। एक देखने को मिलती है सोमैटिक सेल, क्या देखने को मिलती है बाबू ज़रा नोट कीजिए, एक देखने को मिलती है सोमैटिक सेल और दूसरा देखने को मिलती है बाबू क्या, रिप्रोडक्टिव सेल, आर सेल लिख देते जगह कम है तो रिप्रोडक्टिव सेल। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में जनन कोशिका और इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू, कायिक कोशिका। तो ज़रा नोट कीजिए कायिक कोशिका जनन कोशिका में थोड़ा सा क्या चीज़ें देखने को मिलती है, तो कायिक कोशिका हमेशा क्या होता है बाबू, टू एन होता है और ये क्या होता है हमेशा एन होता है, ज़रा नोट कीजिए। तो जब कायिक कोशिका में जाना क्या होती है बाबू, भिन्नताएँ उत्पन्न होती है, जैसे कोई परिवर्तन हुआ किस में, कायिक कोशिका में, और उसके बाद से अगला में जाना कोई परिवर्तन देखने को मिल रहा है। फिर समझेंगे, अगर किसी जीव के कायिक शरीर के अंदर कायिक कोशिका में कोई बदलाव हुआ या परिवर्तन हुआ और परिवर्तन की वजह से कोई नया जाना भिन्नता उत्पन्न हुई या जाना अंतर देखने को मिले जाना संतानों में या उसके आने वाली पीढ़ियों में, तो उस जाना विविधता को क्या कहते हैं बाबू, सोमैटिक वेरिएशन कहते हैं। ये वंशागत नहीं होता है, ध्यान रखेंगे इस बात को, क्योंकि कायिक कोशिका में है तो ये वंशागत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जरा नोट की, जब जनन कोशिका में अगर ऐसा होता है कोई बदलाव और कोई परिवर्तन होता है और उसके वजह से आने वाली पीढ़ी में कोई अंतर देखने को मिलता है या भिन्नताएँ उत्पन्न होती है, तो उस भिन्नताओं को हम लोग जेनरेटिव वेरिएशन या जनिक विविधता कहते हैं बाबू। ध्यान रखने वाली बात है कि ये वंशागत होगा, जैसे एक बार परिवर्तन हो गया तो फिर अगला में परिवर्तन होता चला जाएगा, तो ये हो गया कौन, जनिक विविधता, और जिसमें नहीं होगा उसको बोलते हैं कायिक विविधता, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हम लोग आगे देखेंगे, इसके भी एग्जाम्पल्स देखेंगे, एक एक करके सबको अध्ययन करेंगे। तो ज़रा नोट कीजिए, तो कायिक विविधता बताया गया कि एक वैसा विविधता है जो क्या होती है, कायिक कोशिकाओं में परिवर्तन होने के से देखने को मिलता है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि वैसा विविधता जो वातावरण के प्रभाव के कारण, ध्यान देंगे, वातावरण के प्रभाव के कारण देखने को मिलते हैं या अंगों को कम या ज़्यादा उपयोग करने की वजह से कोई परिवर्तन देखने को मिलती है, तो उस टाइप के वेरिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, सोमैटिक वेरिएशन के नाम से जानते हैं। या इसको डायरेक्ट कह सकते हैं कि जब कायिक कोशिकाओं में परिवर्तन होता है और उससे जो है ना नए लक्षण या जो है ना गुण देखने को मिलते हैं अगले पीढ़ी में, उन्हें कायिक विविधता कहते हैं। इसको अगर डिफिनेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए इसमें क्या क्या डिफिनेशन दिया हुआ है, वो देखिए हम डिफिनेशन आपको फटाफट इसकी में पढ़ देते हैं पैकेज में, आप यहाँ से भी चाहें तो याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखवाया हुआ है कायिक विविधता किसको कहते हैं और जनिक विविधता, जैसे देखिए कह रहा कि जीवों में वातावरण एवं जलवायु के कारण होने वाले अंतरों या परिवर्तनों को कायिक विविधता कहते हैं, जैसे उपार्जित लक्षण। क्लियर हो गया, इसका एग्जाम्पल क्या होता है बाबू, उपार्जित लक्षण। और देखिए दूसरा का भी हम पढ़ देते हैं थोड़ा फटाक से, उसका तब हम समझाएंगे ताकि आपको जनक क्लियर हो जाए, जो बच्चे पैकेज से पढ़ रहे होंगे ऑनलाइन, क्योंकि पैकेज तो होगा दिया हुआ गया हो क्लास में। आगे चलते हैं, कह रहा जेनेटिव जीवों में जीवों के जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन को जननिक विविधता कहते हैं, जैसे शरीर की लंबाई में परिवर्तन, आँख एवं बालों के रंगों में परिवर्तन, ठीक है ना, इटीसी ऐसे होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, तो दोनों को हम लोग देखते हैं बाबू। तो बताया गया किस में, वैसा परिवर्तन जो क्या हो, सोमैटिक सेलों में होती है। कहाँ होती है बाबू, सोमैटिक सेल में होती है। कहाँ होती है, सोमैटिक सेल में। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जलवायु या वातावरण में परिवर्तन की वजह से जो है अगले पीढ़ी में देखने को मिलती है, तो वैसे विविधता को क्या कहा जाता है बाबू, जनिक विविधता या सॉरी कायिक विविधता या सोमैटिक वेरिएशन कहते हैं। और इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो इसके एग्जाम्पल होते हैं बाबू, क्या होते हैं जरा नोट कीजिए, इसके एग्जाम्पल होते हैं उपार्जित लक्षण, इक्वाड ट्रेड्स या कैरेक्टर, उपार्जित लक्षण जिसको कहते हैं। उपार्जित लक्षण के बारे में हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे बाबू, ठीक है, उपार्जित लक्षण आगे हम देखेंगे भी, ठीक है, जरा नोट कीजिए। उपार्जित लक्षण क्या है इसको जरा नोट कीजिए, जैसे एग्जाम्पल थोड़ा सा हम आपको एग्जाम्पल से देते हैं, ऐसे समझाते हैं, देखिए कभी नोट कीजिए, हम या आप
अंगों क्या कर रहा है, कम या ज़्यादा उपयोग कर रहा है। कोई व्यक्ति दाहिना हाथ उपयोग किया ज़्यादा, कोई कम जो है ना बायां हाथ कम उपयोग किया, तो जो व्यक्ति दाहिना हाथ उपयोग ज़्यादा किया उसके दाहिने में एबिलिटी हो गया, और जो बायां हाथ उपयोग किया उसके बाएं में एबिलिटी हो गया। लेकिन जो व्यक्ति बायां रेगुलर यूज किया तो उसके बाएं में एबिलिटी आ गया, जो व्यक्ति दायां यूज किया उसको दायां में कम एबिलिटी हुआ, है ना। तो वही क्या हो रहा है, अंगों को कम या ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं तो कुछ नए लक्षण दिख रहे हैं। किसी के दाहिने में एबिलिटी ज़्यादा है, पावर है, तो किसी के बाएं में पावर है ज़्यादा। तो ऐसा अगर होता है तो इसी जो है ना भिन्नता या परिवर्तन को या अंतर को हम लोग सोमैटिक कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, ऐसे जाति से लेकर के कोई संबंध इसमें नहीं है बाबू, समझाने के लिए हम दे रहे हैं। तो कोई बच्चे उस जो है ना जाति से अगर बिलोंग भी करेंगे तो कोई बुरा ना मानेंगे, क्योंकि ये बुक में भी दिया हुआ बात है, इसलिए हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। जैसे एक जो है ना लोहार हो, जो लोहा को पीटता है, ठीक है, या एक वैसा व्यक्ति जो काफ़ी मेहनत का काम करता है, जैसे पत्थर उत्थर को तोड़ता है या पीटता है, तो उसके संतान, जैसे आप यहाँ पर मान लीजिए लोहार, ठीक है, या कोई व्यक्ति पत्थर को तोड़ रहा है, किसको तोड़ रहा है बाबू, पत्थर को तोड़ रहा है, तो पत्थर जब तोड़ रहा है या लोहा को जो है पीट रहा है, तो उसका जो है ना हार्डवर्क है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम है, घन चलाना या जो है ना हथौड़ा चलाना, तो हथौड़ा चलाना काफ़ी मेहनत का काम है, तो उसके जो हाथ हैं वो क्या हो जाएंगे बाबू, सॉफ्ट नहीं रहेंगे। सब दिख रहा है, सब हम लोग में तो नहीं होती है, लेकिन जो उस प्रकार से मेहनत करते हैं उनको में क्या होती है, ये सब गठिया जाता है बाबू, इनकी जो है ना कोशिकाएँ की जो सॉरी हाथ की जो कोशिकाएँ होती है, जो है ना चमड़ी होती है, वो काफ़ी हार्ड हो जाती है, ठीक है। अब चलिए, तो क्या ये तो हो गया, लेकिन क्या इनके संतान जन्म लेंगे, तो क्या इनके संतान में भी ध्यान देंगे, क्या इनके संतान अगर जन्म लेंगे तो क्या इनके संतान में भी एक गुण देखने को मिलेगा। देखिए तो जरा नोट कीजिए बाबू, क्या इनके संतान में भी एक गुण देखने को मिलेगा, जरा नोट कीजिए तो। और उसके बाद फिर होल्ड करके नोट करना है, और अभी बोलना कुछ नहीं है, या कमेंट में आप लिख सकते हैं, उसके बाद हम समझा रहे हैं। तो देखिए, व्यक्ति क्या था, लोहार या जो है ना पत्थर तोड़ने का काम कर रहा था, तो उसके जो है ना क्या काफ़ी मेहनत कर से उसके हाथ की चमड़ी क्या हो गई, मोटी हो गई कि नहीं हो गई। तो ये क्या हो रहा है, और ऐसा नहीं कि सब लोहार में ऐसा होता, नहीं, जो मेहनत का काम करेगा, लोहा पीटेगा या पत्थर तोड़ेगा, उसी में ऐसा होगा। तो ऐसा हो रहा है तो क्या हो रहा है, अंग को ज़्यादा या कम उपयोग करने में कितना अंतर आ रहा है, तो ऐसे अंतर को ही उपार्जित लक्षण के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। और उसके संतान में ऐसा होगा कि उसके संतान कभी जन हाथ मजबूत रहे, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए बताया गया कि ये उपार्जित लक्षण या सोमैटिक वेरिएशन वंशागत नहीं होते हैं। ये बात क्लियर हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है बाबू, जेनरेटिव वेरिएशन, है ना, जनिक विविधता। तो जनिक विविधता जो होता है बाबू, ये किस में होता है, रिप्रोडक्टिव सेलों में होता है। किस में होता है बाबू, रिप्रोडक्टिव सेलों में होती है। बात समझ आ रही है, किस में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल में, यानी जनन कोशिका में होता है बाबू, जरा नोट कीजिए, किस में होता है, जनन कोशिका। जनन कोशिका बोले तो अंडाणु और शुक्राणु, अगर जीवों को जो है ना हम लोग अंडाणु शुक्राणु इसके संदर्भ में, पौधे और जंतु को लेकर के, जो है ना जंतु को लेकर के, पौधे में क्या हो जाएंगे, तो परागकण और बीजाणु। तो इस प्रकार के जो जनन कोशिका हैं, इनमें अगर कोई परिवर्तन होता है या कोई अंतर उत्पन्न होती है, तो इससे जो नया गुण आएगा अगला पीढ़ी में, तो उस अंतर को ही या उस नए लक्षण को ही क्या कहा जाता है बाबू, जनिक विविधता कहते हैं। और ये वंशागत होता है, एक ऐसा होता है बाबू, वंशागत होता है। कैसा होता है, वंशागत होता है बाबू, जरा नोट करेंगे, कैसा होगा, वंशागत होता है या वंशागत होगा, कोई दिक्कत, क्यों, क्योंकि इनमें जो है ना नए गुण या लक्षण देखने को मिलते हैं। ये बात क्लियर हो गई, बात समझ आ गई। अब जरा ध्यान दीजिए, अब कैसे वंशागत होते हैं, तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना, कैसे, तो जरा नोट कीजिए, आगे भी हम फिगर दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, तो ये संतान था, है ना, ये माता पिता है बाबू, ये माता पिता में गुण जो थे वो तो थे ही, ठीक है ना। तो जैसे थोड़ा सा हम डिफरेंट करके ही बना ही देते हैं, यहीं पर समझा देते हैं, ऐसे फिगर के माध्यम से समझाया जा सकता था, लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं है, हम इसी से समझा देते हैं। देखिए ये हो गया, हम जैसे समझा देते हैं, एक हो गया ऐसा, हम ले लिए संरचना और कलर चेंज करके हम समझा देते बना देते हैं। देखिए ब्लैक है बाबू, दिख रहा है ऐसा है, और इसके संतान जो है, देखिए ये ऐसा कलर दिखा रहे हैं, हम कलर को जन हम कलर ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा है, लेकिन
क्या हो जाए, ऐसा ना होकर के संतान में कुछ नया गुण आ जाए। देखिए संतान जो है ना, संतान में कुछ नया गुण आ जाएगा। वो देखिए दोनों में से कोई गुण है, नई गुण मिल रहा है, नई गुण मिल रहा है, कुछ नया गुण मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके जन्म कोशिका में बदलाव हो गया, कोई भिन्नता उत्पन्न हो गई, कोई परिवर्तन हो गया, कोई बदलाव देखने को मिला। इसके वजह से क्या हो गया, उसके जन्म आने वाले पीढ़ी में बदलाव हो गई। तो ऐसे भिन्नताओं को जनक विविधता कहते हैं। तो देखिए ये ऐसा कलर के दिखा रहा जा रहा है, ऐसा दिखाया जा रहा है, लेकिन इसमें देखिए तो कैसा हो गया, ये अगला जो है कुछ डिफरेंट हो गया बाबू। अब जब अगला डिफरेंट हो गया, जरा आप नोट कीजिए कि जब अगला भिन्न हो गया तो अब ये भिन्नता अगला में भी जाएगा। अब इसके बाल बच्चे होंगे या इसके संतान होंगे, मैरिज वगैरह होगा तो उसमें भी जाएगा एक गुण, बात समझ आ रही है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं था, जरा नोट कीजिए, इसमें ऐसा नहीं था। इसके संतान इसमें कोई परिवर्तन है तो ठीक है, लेकिन इसमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें क्या होगा बाबू, परिवर्तन ऐसे हो गया जनन कोशिका में, तो स्वाभाविक है कि नेक्स्ट जो पीढ़ी इसका आएगा, नेक्स्ट जनरेशन है ना, मतलब इसका नेक्स्ट जनरेशन, उसमें भी ये देखने को मिलेगा। तो इसलिए बताया गया कि ये कैसा होता है, तो ये बाबू वंशागत होता है, और ये वंशागत पीछे वाला ये वंशागत नहीं होता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिए आप। अब जरा समझते हैं इक्वार लक्षण या उपार्जित लक्षण। तो वही बात हम अभी बता रहे थे, यही जो उपार्जित लक्षण अभी समझाए हैं बाबू, देखिए यही समझाया गया उपार्जित लक्षण कि कोई जब अंग को क्या करता है, टॉपिक है हम क्या बताए कि इसको आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ पर जब कोई व्यक्ति क्या करता है, जरा नोट करेंगे, कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति क्या है बाबू, बी है। तो ये व्यक्ति जो है ना क्या किया, ये व्यक्ति लोहा को बहुत पीटा, ठीक है ना, या पत्थर को तोड़ा, तो इसके हाथ में क्या हो जाएंगे बाबू, हाथ की जो कोशिकाएं हैं ये क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। क्या हो जाएगी बाबू, स्ट्रांग। और ये अगर उतना मेहनत का काम नहीं किया, ये व्यक्ति जो है बी, जो बी व्यक्ति है, ये मेहनत का काम नहीं किया, लोहा पीटा नहीं या पत्थर नहीं तोड़ा या अन्य और भी मेहनत का काम नहीं किया, तो इसके जो ना हाथ, इसके इतना जाना इसकी हाथों की चमड़ी है जाना त्वचा या कोश का मोटी जाना स्ट्रांग होगी, नहीं होगी, ये वीक रहेगी बाबू, क्या रहेगी, वीक रहेगी, थोड़ा कमजोर रहेगी। तो देखिए तो क्या हुआ, जरा नोट कीजिए, तो क्या हुआ यहाँ पर, ये व्यक्ति अंग को क्या किया, ज़्यादा उपयोग किया, लोहा या पत्थर को जाना पीटने में जाना तोड़ने में, तो उसका ये क्या हो गया, मजबूत हो गया, मतलब उसके अंदर नया देखने को गुण मिले, क्योंकि उसकी जाना कोशिकाएं मजबूत है। लेकिन इसमें देखिए तो ये मेहनत नहीं किया, तो इसके जो है ना अंग मजबूत नहीं हुए। तो ये क्या हुआ, जब कोई व्यक्ति वातावरण में क्या करता है, या इन्वायरमेंट में या अपने आसपास जो है ना रहने वाले स्थानों पर अंगों को कम या ज़्यादा उपयोग करता है, तो उस कम या ज़्यादा उपयोग करने की वजह से उसके अंदर जो नए गुण या लक्षण आते हैं, उस गुण या लक्षण को ही उपार्जित लक्षण कहते हैं बाबू, कोई दिक्कत। और ये उपार्जित लक्षण किसका एग्जाम्पल है, तो अभी भी जस्ट पढ़ाए हैं कि ये किसका एग्जाम्पल है बाबू, तो कायिक विविधता का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है बाबू, कायिक विविधता का। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये बात ऑलरेडी आपको बताई गई है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलिए। क्लियर हो गया सबको, ये बात समझ में आ रही है सबको। चलिए इसके अलावा अगर जो है ना कोई डाउट है तो आप बेहिचक पूछिए कमेंट में लिख करके, नहीं तो फिर उसके आगे फिर हम बढ़ रहे हैं और उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। तो आपको तीन चार बात बता देंगे, कौन कौन बात बताएगा, वो जरा उपार्जित लक्षण क्या है, जनक विविधता क्या है, कायिक विविधता क्या है, विविधता के प्रकार कितने हो रहे हैं और उसके बारे में बताया गया, विविधता किसे कहते हैं और वंशागति किसे कहते हैं, ठीक है ना, और ये चैप्टर का नाम क्या था और ये चैप्टर कितना में था, ये बात बताया गया। कोई दिक्कत, तो चलिए फिर से एक बार हम रिमाइंड करते हैं, वंशागति बता दिया गया, चैप्टर कौन चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है, वंशागति किसे कहते हैं, फिगर वह बना करके भी दिखाया गया, और जन विविधता किसे कहते हैं बताया गया और फिगर दिखाया गया, विविधता के प्रकार कितने हैं, तो दो, पहला और दूसरा, इन दोनों के बारे में हम विस्तार से यहाँ पर अध्ययन किए, पहला के बारे में अध्ययन किए, ठीक है ना, एग्जाम्पल सहित। हाँ, ये वंशागत नहीं था बताया गया, और दूसरा बताया गया कि ये क्या है, वंशागत होता है, देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है ना। फिर उसके बाद हमने उपार्जित लक्षण की बात की है, तो इसमें भी हम जिक्र किए कि उपार्जित लक्षण किसका एग्जाम्पल है, कायिक विविधता का, और कायिक विविधता में भी हम उपार्जित लक्षण को अध्ययन किए थे। तो हम कंपेयर करते चले जाते हैं ताकि आपको समझ में ज़्यादा आए। तो चलिए यहाँ तक कोई डाउट है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यही हम बात बता रहे थे
कि कोई गुण क्या है, जैसे मान लीजिए माता पिता बाबू क्या है, यहाँ पे इसको समझ लीजिए, माता है, दिख रहा है बाबू लिखा हुआ ई कलर, चलिए जैसे क्या है माता और पिता है, जरा नोट कीजिए बाबू कैसे हैं, कौन है माता और पिता है, तो इनके अंदर कुछ अपना गुण या लक्षण होगा, कुछ अपना गुण या कुछ ना कुछ विशेष अपना लक्षण होगा बाबू, होगा ना, जैसे मान लीजिए माता पिता किसी का गोर है तो किसी का काला है, किसी के लंबे हैं तो किसी के बौने हैं, किसी का और भी जरा किसी के माता पिता का जरा आँख भूरा है, आँख भूरा है तो बाल जो है काला है, तो बाल भूरा है तो बाल नीला है, बहुत तरह के गुण हो सकते हैं, अनेक लक्षण या गुण होते हैं, वही गुण या लक्षण कहाँ देखने को मिले बाबू, संतान में देखने को मिले, तो उस गुण या लक्षण को जरा उस गुण या लक्षण को, तो यहाँ पर लक्षण या गुण क्या हो जाएगा, तो लक्षण या गुण हो सकता है त्वचा के रंग, त्वचा का क्या हो सकता है बाबू, त्वचा का, त्वचा एवं आँखों का रंग, त्वचा एवं आँखों का रंग, या और क्या हो सकता है बाबू, लंबाई हो सकता है, जाना जीवों का लंबाई हो सकता है, इटीसी बहुत सारे हो सकते हैं, तो यही गुण या लक्षण कहाँ चला जाए बाबू, संतान में चला जाए, तो इस जाना लक्षण को ही हम लोग पैतृक या जाना अनुवांशिक लक्षण या गुण कहते हैं बाबू, कोई दिक्कत, ऐसा भी समझ लीजिए, देखिए गुण मतलब क्या, उसके अंदर पाया जाना एबिलिटी या लक्षण, उसके अंदर पाया जाने वाला जाना विशेषता या जनक कह सकते हैं, देखिए विशेषता हीन केवल नहीं कह सकते, कमी भी होती है, तो ऐसे यहाँ पर विशेषता के सेंस में देखना है, तो उसके अंदर जो है उसका अपना व्यवहार, या ऐसा समझ सकते हैं कि उसके अंदर पाए जाने वाले गुण या कमी भी कह सकते हैं, मैंने उसके अंदर जो दिख रहा है एबिलिटी या डिसेबिलिटी भी हो सकता है गुण के अंतर्गत, लेकिन ऐसे गुण हम लोग आमतौर पर जो बोलचाल के भाषा में उपयोग करते हैं वो अच्छे के संग, तुम्हारा गुण सही नहीं है, या तुम्हारा जरा लक्षण या कैरेक्टर, कैरेक्टर इसका इंग्लिश होता है लक्षण या कैरेक्टर, तो कैरेक्टर सही नहीं, मतलब कहने का कि गुण नहीं अच्छा है, तो अच्छा के सेंस में यहाँ पर हम लोग लेकर के चलते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, तो बताया गया कि जो वैसा गुण जो कहाँ से आ रहा, पूर्वज से आ रहा, पैतृक मतलब क्या, पूर्वज, पैतृक मतलब क्या, पूर्वज, तो वैसा गुण जो कहाँ से आ रहा है बाबू, वैसा गुण जो कहाँ से आ रहा, पूर्वज से आ रहा है, तो उसी गुण को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसी गुण को पैतृक गुण या अनुवांशिक गुण कहते हैं, क्लियर हो गया, ये जो गुण उनका था वही, क्लियर हो गया यहाँ तक, बात समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अनुवांशिकता किसको कहते हैं, तो अभी हम लोग अध्ययन किए दो बातें, क्या अध्ययन किए बाबू, अनुवांशिकता, तो जैसे मान लीजिए कि जैसे माता पिता दिख रहे थे, जरा आप ध्यान से देखिए, मैंने लगभग सब लगेगा कि थोड़ा मिलता जुलता सब एक दूसरे से है, जैसे माता पिता थे उसके जैसा क्या होने लगे बाबू, संतान दिखने लगे, जैसे एग्जांपल माता पिता क्या थे, लंबे थे, लंबे एवं गोरे थे, लंबे एवं क्या थे बाबू, गोरे थे, तो उनके संतान भी क्या हो जाए, उनके जैसा ही हो जाए, वो गुण उनमें दिखने लगे, तो इसी स्थिति को क्या कहा जाता है, अनुवांशिकता कहते हैं, मतलब जैसे माता पिता थे वैसे वो दिखने लगे, यानी उनका गुण में दिखे, रुक जाए, आगे संचित हो जाए, गैमेट विभाजन के समय या जब भी ऐसा मान के चलिए उनमें संचित हो जाएगा, तो उसी को अनुवांशिकता कहते हैं, क्लियर हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है बाबू, अनुवांशिकी, तो जब बताया गया कि अनुवांशिकी किसको कहते हैं, तो यहाँ ध्यान रखेंगे दो बातें यहाँ पर चलता है, एक अनुवांशिकता से लेकर के चलना है और एक क्या है, विविधता से लेकर के चलना है, तो जब क्या करते हैं हम लोग अनुवांशिकता एवं किसके बारे में बाबू, विविधता के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, जब हम जीवों में होने वाले समानता और विषमता यानी अनुवांशिकता और विविधता के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, अनुवांशिकी कहते हैं, या ऐसा भी समझ सकते हैं, देखिए कोई भी माता पिता है तो या तो उसके संतान उसके समान हो सकते हैं, माता पिता उसके समान हो सकते हैं, देखिए फिर से माता पिता के समान संतान हो सकते हैं, या नहीं तो फिर क्या हो सकते हैं, उनके भिन्न हो सकते हैं, ने? उनसे क्या होंगे, अंतर, विषम हो सकते हैं, भिन्न, विषमता हो सकता है, कैसा हो सकता है बाबू, विषमता, तो जब क्या हो, माता पिता से जो है ना संतानों में जो गुण जाती है
चाहे समानता हो या फिर क्या हो विषमता हो, तो इन दोनों जैसे मान लीजिए यही ना हो सकता है, जैसे इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लिया जाए कि कोई भी क्या है बाबू माता और पिता है, तो यहाँ पर हम दे देते हैं समान माता और पिता है, क्या है माता पिता, तो इसके जो संतान उत्पन्न होंगे बाबू या तो माता पिता के संतान जैसे माता के पिता जैसे होंगे उन्हें तो उनसे भिन्न होंगे, तो ऐसा अगर हो रहे हैं तो इसी के बारे में अध्ययन करना ही, मतलब काहे हो रहा है ऐसा, समान क्यों है या भिन्न क्यों है या भिन्न क्यों है, तो इसी के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाती है अनुवांशिकी कहलाती है बाबू, क्या कहलाती है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी की खोज किसने किया, विलियम बेटसन ने, डब्लू कहीं कहीं लिखा रहता है तो विलियम बेटसन ने किया बाबू, कब किया तो कहीं कहीं आपको मिल जाएगा इतना ईस्वी में किया, किसने किया विलियम बेटसन ने 1906 ईस्वी में, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको कहा गया, ग्रेगर जॉन मेंडल को, क्यों कहा गया हम आगे बात करेंगे जब मेंडल के जीवनी या मेंडल के बारे में अध्ययन करेंगे तब, और ध्यान रखेंगे अनुवांशिकी के बारे में जो हमारे कृषि जना व्यक्ति थे या कृषि वैज्ञानिक जो थे, कब जना पूर्वज जो थे यानी आज से जना 8 से 10 हज़ार ईसा पूर्व के जो लोग थे उस उनको भी ये बात पता था कि माता पिता का जो गुण होता है, ठीक है ना, माता पिता का गुण होता है क्या होता है संतानों में जाती है, और मैंने समानता और विषमता के जहाँ ज्ञान अनुवांशिकता और विविधता या वेरिएशन के ज्ञान हमारे जो है ना पूर्वजों को या जो कृषि वैज्ञानिक थे उनको भी पता था, कृषि वैज्ञानिक मतलब कृषि में जो काम करते थे लोग उसमें बहुत ज़्यादा हाई रिसर्च नहीं थी तो उन सभी को ये बात पता था, क्लियर। तो ये बात जानकारी दी गई, एनसीईआरटी का पॉइंट है बाबू, कोई दिक्कत, एनसीईआरटी से लिया हुआ शब्द है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ये कहाँ से लिया हुआ शब्द है तो इस बात का बखूबी ध्यान रखें कि ये एनसीईआरटी से लिया हुआ शब्द है, एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ शब्द है, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा नोट कीजिए, हम लोग देखते हैं हाइब्रिड क्या है, अब जरा ध्यान से देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाइब्रिड क्या है और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो जरा नोट कीजिए यहाँ पर समझिए। देखिए हाइब्रिड किसको कहते हैं बाबू, मान लें कि हम एक पौधा लगाए यहाँ पर, देखिए एक पौधा, देखिए पौधा क्या लगाना है यहाँ पर सामने है, देखिए एक पौधा कैसा है, देखिए दिखाया गया है लाल है बाबू, और दूसरा का पौधा क्या है व्हाइट है ना, तो जब एक लाल है मतलब एक रेड है और दूसरा क्या व्हाइट है, एक लाल है और एक सफ़ेद है, लेकिन आप ज़रा नोट कीजिए तो देखिए इससे जो प्राप्त हुए पौधे जब इन दोनों को मिला दिया गया आपस में और इनसे जो प्राप्त हुए पौधे तो ना तो पूर्णतः इसका गुण है और ना पूर्णतः उसका गुण है, दोनों का मिश्रण हो गया, तो जब दोनों का मिश्रण हो गया तो इस पौधा को ही हम लोग हाइब्रिड प्लांट्स कहेंगे बाबू, क्या बोलेंगे हाइब्रिड प्लांट, बात समझ आ रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइब्रिड, किसको कहते हैं, क्लियर हुआ कि जब दो अलग अलग गुणों को मिलाने से एक नए गुण वाले पौधे, या देखिए ऐसे भी कह सकते हैं जब दो नए पौधे को मिलाने से जो है ना एक नए पौधे का विकास हो जाता है तो उस पौधे को हाइब्रिड पौधा कहते हैं, या जब कोई दूसरा जीव यहाँ पर पौधा लिया हुआ है लेकिन दूसरे जीव को भी मान सकते हैं, जब दो जीवों का गुण मिलाने से एक नया जीव का विकास हो जाता है या प्राप्त हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू हाइब्रिड कहते हैं, क्लियर हो गया हाइब्रिड क्या है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो इनको प्राप्त करने की प्रक्रिया, जैसे इसको हम लोग प्राप्त कर रहे हैं ना हाइब्रिड बना ना, तो हाइब्रिड बनाने के लिए कुछ रूल नियम अपना है ना, तो उस रूल और नियम को ही क्या कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर हो गया बात, समझ आ गया बात। अब जरा नोट कर लीजिए एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं और उसका जो है ना नेक्स्ट टॉपिक अगले क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखिए ये हम लोग जीवनी अध्ययन करेंगे मेंडल साहब के बारे में, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा ज़्यादा लंबा नहीं वीडियो बना रहा क्योंकि बच्चा उतना देख नहीं पाता है, तो हम छोटा छोटा वीडियो बना दे रहे हैं ताकि आपको जो है ना कम समय में देखने को भी मिल जाए और समझ में भी आए, इंटरेस्ट भी रहे, काफ़ी लंबा समय तक देखने में बच्चा बोर हो जाता है तो बहुत लंबा वीडियो है, तो इसलिए हम छोटा वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको जब भी फ्री जो है ना महसूस करें या जब भी आपको थोड़ा बहुत भी मौका मिले तो आराम से देख करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे या जो है ना अगले क्लास में, लेकिन चलिए थोड़ा सा हम रिकैप दे देते हैं पुनः एक बार फिर से काका अध्ययन किए। देखिए यहाँ पर चैप्टर का नाम लिखे थे हम, फिर दूसरा बार क्या है बाबू वंशागति किसको कहते हैं बता दिए, फिगर को भी आप देख सकते हैं विविधता किसको कहते हैं बता दिए, विविधता के प्रकार हम लोग अध्ययन कर लिए, फिर हम लोग क्या अध्ययन किया वो कायिक विविधता क्या है
वंशागत होता है या नहीं होता है बताया गया। जनक विविधता क्या है, ये वंशागत होता है नहीं होता है बताया गया, और किसे कहते हैं बताया गया। उपार्जित लक्षण क्या है बताया गया, उपार्जित लक्षण किसका एग्जाम्पल है बताया गया। चलिए पैतृक गुण या अनुवांशिक गुण किसको कहते हैं, तो जो पूर्वजों का गुण है। अरे पैतृक संपत्ति समझते हैं, पैतृक संपत्ति मतलब क्या, पूर्वज का संपत्ति, तो उसी प्रकार से पैतृक गुण मतलब पूर्वज का गुण, बात खत्म। आगे बढ़िए, अनुवांशिकता, तो जो माता पिता से गुण आके संतान में क्या हो गया बाबू, संचित हो गया। संचित बोले तो रुक गया है ना, तो उसी को लोग अनुवांशिकता कहते हैं। अनुवांशिकी किसको कहेंगे, कोई जीवों का संतान, ध्यान देंगे, कोई जीवों का संतान, कोई माता पिता है या कोई भी क्या जनक है, उसके संतान उसके जैसा दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, तो क्या कारण है कि दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, इसके बारे में अध्ययन करना ही अनुवांशिकी कहलाती है। और अनुवांशिकी शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया या किसने दिया, विलियम वेटसन ने, कब दिया, इतना ईस्वी में। और ध्यान देंगे, अनुवांशिकी का जनक पितामह किनको कहा गया, ग्रेगर जॉन मेंडल को। ध्यान देंगे, जीव एक दूसरे के समान और विषम क्यों है या क्या कारण है, इसके बारे में हमारे पूर्वज को आज नहीं बल्कि इतना हजार वर्ष पहले ही ये बात पता थी। अरे कहाँ से लिया हुआ, एनसीईआरटी बुक से, कोई दिक्कत। फिर संकरण की हम बात किए, तो जब क्या किया गया, दो अलग अलग पौधे को दिख रहा है, एक सफ़ेद है और दूसरा क्या है ना, लाल है, इन दोनों को जब आपस में क्या किया गया, क्रॉस कराया गया, मिलाया गया, तो इसे जो प्राप्त हुआ, देखिए दोनों का मिश्रण प्राप्त हुआ, न पूरी तरह से इसका गुण है न पूरी तरह से उसका गुण है, तो दोनों का मिश्रण प्राप्त हुआ, तो इसी को हम लोग हाइब्रिड प्लांट्स के नाम से लोग जानते हैं। तो हाइब्रिड क्या है, क्लियर हो गया है ना। अब चलिए, और हाइब्रिड यानी ऐसे जो देख रहे हैं दोनों को मिला के प्राप्त किए ना, तो इन दोनों को मिलाने की जो प्रक्रिया है, इस हाइब्रिड प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है दो अलग अलग पौधों को मिला करके, तो उस प्रक्रिया को ही या उस मेथड को ही क्या कहते हैं बाबू, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर हो गया। तो चलिए, जिस प्रकार से आपको यहाँ पर हम हर टॉपिक को दो बार तीन बार पढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार से जरा ऑफलाइन क्लास में भी हम क्या कर रहे हैं बाबू, हर टॉपिक को दो दो बार तीन तीन बार पढ़ा रहे हैं, हर टॉपिक को लगभग, ऐसे तो दो बार हम अपने से पढ़ा देते हैं, दो बार कम से कम दो बार तो हम अपने से पढ़ा देते हैं, और वही बच्चा कोई अगर एक आध बार पूछ दिया या रिपीट कर दिया कोई बच्चा, तो तीन से चार बार पढ़ा देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, आराम से मन से पढ़ें, जिस प्रकार से आपको हम रिकैप देते जा रहे हैं वैसे जो है ना ऑफलाइन क्लास में भी चलती है। तो चलिए, मन से पढ़ाई कीजिए और मज़ा लीजिए, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चलिए।